हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अंकित प्रजापति। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप अक्सर अपने जो यूट्यूब के ऐड में और बाकी कंप्यूटर की स्क्रीन में और लोगों से सुनने को मिलता होगा आप लोगों को कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा आपका रिस्क फ्री रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, तो आपको मैं मैंगो पीपल की भाषा में इजीली समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आपके पास जैसे कि पैसा आप बचाते हैं। देखिए दोस्तों, आम आदमी क्या करता है, सबसे पहले अपना पैसा बैंक में जमा करता है। बैंक ईयरली कितना रिटर्न देता है आपको, इंटरेस्ट पे करता है लगभग 2 से 2.5%, 3%। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप FD करते हैं। FD में आपको मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलता है, 7%, 7.5% मैक्सिमम बोल रहा हूँ। उसके बाद बारी आती है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है 10, 12 और 14, 15% मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा रिस्क फ्री रहता है, 100% तो नहीं, लेकिन आपका पैसा रिस्क फ्री रहता है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग में आना होता है, स्टॉक मार्केट में। या तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो म्यूचुअल फंड बैंक वगैरह से जो आप ईयरली रिटर्न कमा रहे थे, आप उतना रिटर्न पर डे भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर उतनी स्किल्स होनी चाहिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा जब लगाते हैं तो वो हमारा पैसा सेफ क्यों रहता है। देखिए, दुनिया में, और हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में कितने सारे म्यूचुअल फंड है, ये जितने भी आप नाम देख रहे हो सब म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड भी हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। यानी कि जो हम पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही लगाया जाता है। बस डिफरेंस इतना रहता है कि वो हम अपने हाथ से नहीं लगाते, यानी कि हम अपना पैसा जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको देते हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए। यानी कि देखिए, जैसे कि आपके सामने ये म्यूचुअल फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, ठीक है ना, और आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, ठीक है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। यहाँ पर देखिए, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उन सभी लोगों का एक समूह बना रहता है। ठीक है, तो ये लोग मिलकर मार्केट में एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किन में निवेश करके फ्यूचर में फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये लोग मार्केट में हाई लेवल पे रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हर तरीके से। जब ये मुनासिब समझते हैं किसी भी शेयर को बाय या सेल करते हैं, उसमें देखिए ये अपना खुद का पैसा भी लगाते हैं और लोगों से भी लगवाते हैं। लोगों में क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए अपने 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, 500, 1000, 2000 और लाखों रुपया कितना भी लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या करते हैं कि ये लोग मार्केट में एक बड़ी अमाउंट में पैसा डालते हैं। बड़ी अमाउंट में पैसा डालने से ये ज़्यादा शेयर में ट्रेडिंग कर पाते हैं, यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड 50, 100 या उससे भी ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। जब ये ज़्यादा कंपनियों में पैसा लगाते हैं और हाई रिसर्च करके पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे जो एक आम आदमी का पैसा है वो काफ़ी सेफ रहता है। आपको रिटर्न तो एक लिमिट वे में मिलता है, 9, 10, 11, 12%, लेकिन वो आपका थोड़ा सा रिस्क फ्री कह सकते हैं। लेकिन मार्केट में अनिश्चितता का भय हमेशा रहता है। म्यूचुअल फंड में भी 100% आपका पैसा सेफ नहीं रहता, इसलिए म्यूचुअल फंड वाले लोग भी अपनी पोजिशन को हेज करके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि सिंपल सी वे इतनी सी बात है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा आपका पैसा हैंडल किया जाता है। इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।